राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की दिल्ली से पहुंची टीम ने सोमवार सुबह मुक्सर में दबिश दी। टीम ने मुक्सर पुलिस की मदद से कोटकपुरा रोड स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड के घर और पीपल वाली गली में एक बूट विक्रेता के घर पूछताछ की। परिवार के मुखिया के पास 4 साल पहले PSNL कंपनी का मोबाइल नंबर हुआ करता था, जो उसने बंद करवा दिया था, मगर यह नंबर बाद में किसी ने दोबारा जारी करवा लिया। ये बताया जा रहा है कि ये नंबर अब किसी गैंगस्टर के पास चल रहा है। टीम के आने की सूचना मिलने पर गली के लोग और BJP के जिला अध्यक्ष राजेश गोरा पटेला भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने परिवार के बारे में NI टीम को संतुष्टि करवाई कि परिवार का किसी गैंगस्टर के साथ कोई लिंक नहीं है। इसके बाद टीम वहां से चली गई। इसके बाद टीम कोटकपुरा रोड आदेश अस्पताल के पास गैंगस्टर गोल्डी बराड के निवास पर पहुंची, जहां परिवार से पूछताछ की गई। बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड का परिवार मुक्सर में रहता है। गोल्डी बराड के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में ASI थे, जिन्हें साल 2021 में नौकरी से हटा दिया गया था। बताते हैं कि पारिवारिक सदस्यों ने गोल्डी बराड को बेदखल किया हुआ है। NIA की टीम द्वारा निरीक्षक योगेंद्र इंचार्ज CIA खरकोदा की टीम को साथ लेकर गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेली के घर व कार्यालय गांव जठेली में रेड की गई है। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेली लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और इस समय तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या में भी इसी गैंग का हाथ था। मूसेवाले की हत्या के संदर्भ में ही NIA की टीम द्वारा संदीप उर्फ काला जठेली के घर पर रेड की बात कही जा रही है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।